नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और R9 टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर, चार दिन के लिए और बड़ी पी चिदम्बरम की रिमांड। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से पी चिदम्बरम को झटका लगा है। चार दिन और जो सीबीआई की रिमांड है वो बढ़ाई गई है। तो बता दें कि 5 दिन के लिए जो है कस्टडी मांगी गई थी सीबीआई की तरफ से, लेकिन कोर्ट की तरफ से 4 दिन जो है ये सीबीआई की रिमांड बढ़ाई गई है और अब 30 अगस्त तक जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है, यानी 30 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश होंगे पी चिदम्बरम। तो अभी 4 दिन और कस्टडी में रहेंगे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। तो परिवार और वकीलों को मिलने की इजाजत दी गई है, परिवार और वकील रोज आधे घंटे मिल सकते हैं। तो दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम को झटका लगा है। अदालत ने पी चिदम्बरम की कस्टडी 4 दिनों के लिए बढ़ा दी और अब पी चिदम्बरम को 30 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो सीबीआई ने पी चिदम्बरम की 5 दिनों के लिए और हिरासत मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 4 दिनों के लिए रिमांड बढ़ाई है। हालांकि जो परिवार है, वकील है, उनको मिलने की इजाजत दी गई है और हर रोज आधा घंटे परिवार का कोई सदस्य वकील पी चिदम्बरम से मिल सकता है। यानी कि 4 दिन और सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे जिनसे पूछताछ की जाएगी। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।